Archana Jani, RJ Archana Jani from MyFM, the Dainik Bhaskar, Divya Bhaskar group. And you are very stunning, lag rahe hai, especially with mask. Ke saath. So the mask has really become a part of our body, right? And iske peeche se mujhe lagta hai ki aankhon se muskurana seekh liya, right? Haan, seekh liya. Thoda sa response karte rehna, theek hai na? Camera ke peeche se bhi. And wo bolte the na, bachpan se traffic mein ghusne ke baad, abe hat, uska naya version ho chuka hai, social distancing. Achha lag raha hai, sunke? और सैनिटाइजर मतलब लगाया है ना, मतलब खुद का हो तो सिर्फ पिचुक होता है और दूसरे का हो तो पिचुक ना, यहाँ पे फ्री था, राइट? सो सारे कोविड नॉर्म्स फॉलो करके हम यहाँ पर पधार चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट सो वेरी वेरी स्पेशल. एंड यू नो व्हाट वी हैव असेंबल्ड हियर फॉर, मुझे पता नहीं था, मतलब पिछले जुलाई में किसने सोचा होगा, पिछले जुलाई में जब हम लॉकडाउन में थे और इतना जल्द इस जुलाई में हम लोग एक छत के नीचे होंगे. इजंट दैट माइंड ब्लोइंग? सो फॉर दिस फन फील्ड इवेंट जहाँ पर हम लोग साथ हैं, वर्चुअली नहीं बिल्कुल आमने सामने, कंग्रेचुलेशन टू वन एंड ऑल, हम ये तीसरी लहर को भी हरा देंगे, राइट? एंड वी आर हियर फॉर क्विक हील पिंच बाय नन अदर देन अरबाज खान. पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप समझते हैं कि आप ट्रोल कर सकते हैं तो सामने वाले को छोटा ना समझिए, वो आपसे भी बड़ा ट्रोलर निकल सकता है, राइट? इस सीजन की जो शुरुआत हुई थी, द फर्स्ट सीजन, उसने आग लगा दी है. मैं इतना बता सकती हूँ कि क्यू प्ले पे जो व्यूज मिले हैं, वो भी दो शोज, 70 मिलियन व्यूज ओनली फॉर टू शोज, इट्स एन इनक्रेडिबल नंबर. मुझे लगता है कि सारे सेलिब्रिटीज दे वर गोइंग गागा, छोटे छोटे स्निपेट्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म वी कुड सी. एंड उसके पीछे राज है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा जिसने हर किसी को एक प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए और हर कोई खुल के और खिल के बात कर पाया, राइट? एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में आम जनता भी बात नहीं कर पा रही थी, राइट? सो व्हेन वी सी द सेलेब्स टॉकिंग अबाउट इट तो हिम्मत बढ़ती है, राइट? ओके, सो विद दैट वी वुड लाइक टू सी द सीजन वन, जो धमाकेदार सीजन वन थी, उसका एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहूंगी. कैन वी हैव द ट्रेलर प्लीज? कि फिर भी अगर तुम स्माइल करते हो इसका मतलब ये है कि इम्पैक्ट जोरदार है कि नहीं? ऑलराइट, क्विक हील पिंच मेरा खुद का वर्जन है, मैं बताना चाहूंगी. क्विक हील और पिंच का ऐसा है कि आप पिंच करोगे और क्विकली हील हो जाए, वैसे ही पिंच करते हैं. ऑलराइट, सो आर वी रेडी टू वॉच द ट्रेलर ऑफ सीजन 2? इसमें माइंड ब्लोइंग, आपके पास पूरे जो मेन्यू कार्ड है ना, जितने भी सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, इट्स ऑल द मोर रॉकिंग. इफ यू आर रेडी फॉर इट, पुट योर हैंड्स टुगेदर वन मोर टाइम. कैन वी हैव, हम सेलिब्रिटीज के लिए ना कुछ भी हमारे सेफ जोन में बैठ के लिखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे रिएक्ट मारा होगा. यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग. एंड जितने भी नेचुरल मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे कैप्चर कर लिए गए हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट पिंच. सो आर यू लविंग इट? डिटेल में बात करेंगे, हाउ डिड पिंच रियली हैपन, हिज स्वैग सो ब्राइट ही डजंट इवन नीड द लाइट. लेट मी वेलकम वी अरबाज खान, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. ऑटो वाले भैया से भी लोग पूछते हैं, क्या ऑटो वाले भैया खाली हो? तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है. नहीं नहीं, खाली हो तो आ जाओ, ट्रोल करते हैं. ओके, सो इस सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉल द पर्सन बिहाइंड द शो, सुमित प्लीज ऑन द स्टेज. बहुत ही बढ़िया. अलग ही मुहिम है और ये मुहिम मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत सारे लोगों को ट्रोल किया जाता है, आम आदमी को भी ट्रोल किया जाता है. सेलिब्रिटीज कैसे इस चीज़ को कॉम्बैट करते हैं उससे आम आदमी भी बिल्कुल लर्निंग ले सकता है. प्लीज़ विराजमान हुए. सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का. आज ऑब्वियसली बारिश भी बहुत हो रही है, कोविड टाइम भी है, बट आप लोग इतने नंबर्स में आए, थैंक यू वेरी मच. इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प बूस्ट आवर शो अ लॉट. ये सेकंड सीजन है, आप लोगों ने पहला सीजन देखा, अच्छा लगा होगा. सेकंड सीजन हमने किया है, वी आर होपिंग दैट दिस आल्सो टेक्स ऑफ एंड यू नो एवरीबॉडी लाइक्स इट. एब्सोल्युटली, वी आल्सो हैव मिस्टर सुमित दत्त हु इज द फाउंडर ऑफ क्यू प्ले एंड द क्रिएटर ऑफ पिंच सीजन 1 एंड 2. एंड कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? डीजे थोड़ा सा पिंच अगर बजता रहेगा तो अच्छा रहेगा. गुड आइडिया? ओह, डिस्टरबेंस होगा. ओके, जैसा आप कहें. और सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार है. और सबसे पहला सवाल, प्लीज
अब ये खुलासा कर ही दो यार, फर्स्ट सीजन, अभी फर्स्ट सीजन तो धमाकेदार रही है, सीजन टू पहला एपिसोड कौन? लेट्स रिवील इट। सो पहला एपिसोड सलमान के साथ है, तो सीजन टू का फर्स्ट सीजन में नहीं थे, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल हु ऑब्वियसली आस्क्ड, बट वी हैड अ रीजंस व्हाई वी वांटेड टू यूज हिम इन द सेकंड सीजन, एंड सिंस वी हैव हिम इन द सेकंड सीजन वी वांटेड टू स्टार्ट एंड ओपन द सेकंड सीजन विद हिम. So I guess if you are ready, we can see the teaser. Of whenever, course, whenever we could do ready. That yeah. right away. Yeah. So hello, brother, together. दोनों के दोनों भाई बिल्कुल आमने सामने होने वाले हैं. This is an Eid release. So what is so special about this episode? अगर आप बता सकें. पहली बात तो ऐसा interview हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ. फिल्में की हैं साथ में, लेकिन generally he is the host. आपने देखा होगा कई. मैंने अभी अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू यू नो ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग. और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट यू नो जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के, तो ही सॉ देम, ही लाइक देम, एंड देन ही वाज लाइक मोर देन हैप्पी टू कम ऑन द शो. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी. यू विल सी मी एज अ होस्ट ऑल्सो, यू विल सी मी एज अ ब्रदर ऑल्सो. तो एक हमारे बीच में जो एक कमराडरी है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा. प्लस आई हैव आस्क्ड हिम सम वेरी रेलेवेंट एंड पर्टेनिंग क्वेश्चन जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है. तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें. सो सीजन वन से सीजन टू ये भी एक एवोल्यूशन है. मैं पूछना चाहूँगी, ऐसे तो कैसे आपने फिल्टर किया लोगों को, किन को गेस्ट बुलाना चाहिए? और बाय द वे हम लोग हिंदी में ज़्यादा वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये ज़्यादा हिंदी में होगा, राइट? द सीजन टू जी ऐसा देर इज़ नॉट. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी हैड द वंस दैट वी हैव, दे आर ऑल रेलेवेंट एंड दे आर ऑल गुड. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल हु लोगों से जो कनेक्ट करते हैं, एंड हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे. तो देयर इज नथिंग लाइक के पहले सीजन में, दिस सीजन वी गॉट बिगर बेटर इन बिगर एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द न्यूनेस इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर प्रेजेंटिंग इट, व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम द शो. बट द स्टार्स आर ऑल इक्वल फॉर अस, यू नो, एंड दे आर ऑल वेरी गुड, सो इट डजंट रियली मैटर इन दैट सेंस. बट दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव, दे हैव बीन वेरी नाइस, एंड जैसे आपने देखा एक बड़ा कैंडिड इंटरव्यू आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately उन्होंने, हमने जो questions उनसे पूछे उन्होंने उसको answer किया. हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने stars को किसी तरह corner नहीं करें, because वो show वैसा है नहीं कि हम उनको कोई tight spot में डालें. But हम वो pertinent questions पूछते हैं जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस time पर उनसे जवाब सुनना ज़रा necessary होता है. वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं, तो वी कीप इट, वी इनफैक्ट वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है. खराब ग्रामर में जो लिखा होता है ना वो भी आपने मेंटेन किया, वो बहुत अच्छी बात है. तो द यूजर्स दे राइट वेरी फनी इंग्लिश और वो हमने मेंटेन करके रखा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू सुबह, मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट कोविड टाइम्स में शूट करना, सो हाउ डिड यू गो अबाउट एनी लर्निंग्स? या इट वाज अ बिग टास्क टू डू इट, बट अरबाज मेड इट हैपन, सो ऑल द क्रेडिट गोस टू अरबाज एंड वी बीइंग अ स्ट्रांग टीम पुटिंग द सपोर्ट बिहाइंड इट. बट यस, ही इज द फ्रंट, ही इज द इंजन, सो वी आर supporting the engine the right way, and that's the result what you can see. And after releasing the trailer, and I would like to thank the entire media, and I must say that even the season one, when people didn't know what to expect out of it, media has given us such a positive response, because they all like the concept of coming out and speaking about this thing that whole society, whole system is getting affected with. So I would like to say thank you so much, and I hope this time also you will give us same love and support. Right. So how difficult was the season 2 as compared to season 1? Kyunki bahut sare expectations aa jaate hain. Both of you, if you can address this question so, together. Difficult as in jab koi cheez appreciate hoti hai, to agar aap dusra season kar rahe hain to aapko, aapke the bar is set very high.
सो एक वो चैलेंज होता है एंड हाउ टू नॉट कीप इट टू रेपिटेटिव ऑल्सो टू ऐड फ्रेशनेस इन इट इन टर्म्स ऑफ द लुक कॉन्सेप्ट द क्वेश्चंस दैट यू पोज एंड हाउ यू ट्रीट द शो एंड ऑल दैट फॉर विच वी गॉट यू नो सुमित एंड हिज टीम एबी द राइटर डायरेक्टर ऑफ इट इज पुट योर हैंड अप एबी देयर ही इज सो ही वर्क्स अ लॉट ऑन द रिसर्च एंड यू नो ऑन एवरीथिंग एंड सुमित एंड हिम एज अ टीम आर वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द शो वेरी वेल यू नो डूइंग ऑल द बैक एंड वर्क एंड आई कम with my as a celeb on the show as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them and then how we work together and say ki ye karenge ya nahi karenge so I've got a very strong back end team which helps me you know so the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby they've really worked very hard behind the scenes to ye jo second season hai like I said responsibility ho jati hai to hamare efforts bhi thode se ज़्यादा हो जाते हैं इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम्स थे लास्ट टाइम कोविड टाइम्स नहीं थे तो लोगों की डेटें लेना उन ऑर्गेनाइज़ करना प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे यू नो सेट्स के ऊपर कितने लोग होना यू नो मास्क पहनना ये सब चीज़ें कुछ चीज़ों को वो हिंड्रेंस हो जाता है लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी देर के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स उस दौरान उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए So which was in a very quick time because to get you know 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy but we were fortunate because us time pe thoda sa wo bhi itne busy nahi the so you know they could find some time for us yeah you will love me for this ye ek inside question puchna chahungi main you would want to answer that ye show ki shuruaat kaise hui thi us pe kuch focus karna chahenge aap how it can it just begin aapne kabhi iske bare mein zyada kuch socha nahi tha so iska jawab sumit denge and then I probably will add something to it सो अरबाज़ एंड मी आर फ्रेंड्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम तो बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं एंड आई न्यू अबाउट अरबाज़ नेचर द वे ही हैंडल्स एवरीथिंग एंड वुड लाइक टू डिस्कस एवरी टॉपिक इन अ ग्रेट डिटेल देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन दिस इंडस्ट्री हु रियली गो इन टू द डिटेल ऑफ एंड लॉजिकल आंसर्स एंड लुक फॉर इट सो आई थॉट ही हैज़ दैट वन डिफरेंट साइड विच पीपल हैव नॉट सीन So I offered him, I said, should we do something on digital? Because we can't go to anybody and say, oh, we are ready to do something. We have to do it ourselves. So he was more than open to do that. And then the next challenge was that how to convince anybody that we are going to read all these horrible tweets to you and you come to our show. So this was Arbaaz's effort and he called up Sonakshi and she was the first person. We went to her house and explained her what it is. And I think she was more than willing. And I think the main reason was because of Arbaaz, because she was so confident that nothing can go wrong with her, or nobody going to corner her for that. So when she came on the set and we shot this one episode, and I think on one of the occasion we shared this episode with some other people on one of the party, and many people have seen the episode and everybody loved it, and that's where the change started. And rest the story, Arbaaz will tell you. So basically, like he said, we go long back. We've started as a working relationship. मैंने एक फिल्म की थी उसमें सुमित ने एक गाना conceptualize करके shoot किया था. And so I always knew his talent as a you know as a maker and you know and we were always looking for opportunities to work together. But unfortunately, it never happened in a movie, but it happened in a kind of a digital chat show. And the reason why is that he says that you know I have spent so much time with you. You know the kind of work that you do on screen is probably you know more. Gray shade actor roles and you know negative roles and you know strong roles but there's a humor in you which when we meet in personal life which you know which I don't know why that has not you know come to the fore and so I said what do you have in mind so he says I have a concept where I feel that if you're part of a chat show which is like a fun show and you know and we'll do a celebrity based show because of your basic relation with you know a lot of your colleagues and your industry friends And bring out this element of yours, this little candid, fun element of yours, where there's a lot of humor of yours. So I said, "Take it. Let's work on that." And that's how we started. Of course, it was difficult because the kind of concept that the show was, usme thoda sa humko na convince karna padta tha star ke bhai hum bhale hi aapse kuch aise sawal puchenge jo bade palatable nahi honge, lekin wo hum aapko kisi को एम्बेरस करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं करें इसलिए आप देखो हमारा पहला पूरा सीज़न जो हुआ है आपने नेचर देखा है शो का लेकिन एक भी शो का कोई भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई
एंड वी आर क्वाइट माइंडफुल ऑफ दैट एंड क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट. मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि आपका शो अभी सेकंड सीजन आ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट. आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं आई डोंट वांट द कंट्रोवर्सी टू बी अ बिग कंट्रीब्यूटर फॉर द सक्सेस ऑफ द सीजन टू और टू बी द रीजन व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड. आई सेड कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चाहिए. हमारा शो के अंदर इतना दम है होपफुली कि जहाँ लोग उसको ऐसे ही पसंद करें. हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को लगेंगी जो स्टार्स ने बोला है, हमने पूछा है, जिसके ऊपर हल्का सा एक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन बट नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी. वुड यू लाइक टू आल्सो से अ थैंक्स गिविंग अ सॉर्ट ऑफ अ वर्ड फॉर द ट्रोलर्स, बिकॉज़ वो है तो इस शो में चार चांद लगे हुए हैं. देखो ये दिस इज अनदर थिंग कि हमने ये शो इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई ट्रोलिंग या नेगेटिविटी को या तो कंट्रोल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं. वो चीज़ें नहीं होंगी, वो दुनिया में वो उसका कोई इलाज है नहीं. और कुछ हद तक आई वुड से क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव फीडबैक ज़रूरी भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो बिलो द बेल्ट होता है और जब वो किसी के अनरीजनेबल होता है एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होता है. अदरवाइज एज एन एक्टर आई एम नॉट ट्राइंग टू से और अ फिल्म पर्सन नॉट ट्राइंग टू से कि भाई हमारी फिल्मों को क्रिटिसाइज मत करो या हमको देख हमारे एक्टिंग को क्रिटिसाइज. वो उसका पूरा हक है. आपको आपने पैसे भरे हैं फिल्म के, आपको पिक्चर पसंद नहीं है, आप यू कैन ट्रैश इट. बट वो फिर भी चल जाता है जब आप प्रोफेशनली किसी को थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हो, ठीक है वो चल जाए. बट पर्सनली जब लोग बोलते हैं ना, जब उनके फैमिलीज के बारे में बोलते हैं, जब उनके लुक्स के बारे में बोलते हैं, जो उनके व्हाटएवर बॉडी शेमिंग हो गई या कोई चीज़ हो गई, तब जाके ये जो है ना ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है. एंड देयर इज़ वेयर दे नीड टू ड्रॉ अ लाइन. एंड इफ दे डोंट ड्रॉ अ लाइन सूनर और लेटर दे विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज सोशल मीडिया आज बड़ा अकाउंटेबल हो गया है. आज आप जो चीज़ें सोशल मीडिया पर कहते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सब चीज़ों के लिए आपको अभी उसका आपको यू हैव टू रियली आंसर टू दैट. यू टू बी वेरी जुडिशियस एंड वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू से ऑन सोशल मीडिया. एंड ये तो चलो स्टार्स के लिए है, ये धीरे धीरे नीचे भी फिल्टर होने वाला है. ये नीचे भी मतलब नीचे इन द सेंस के इट विल कम टू द कॉमन मैन वेर हु थिंक्स के यू नो नोबडी नोज मी, आई एम फेसलेस, सो आई कैन से व्हाट आई वांट. नो, देयर इज अ गुड चांस दैट यू मे प्रॉब्ली विल यू लूज योर जॉब और यू विल बी पुल्ड अप और समथिंग विल हैपन और यू विल बी सस्पेंडेड और सम फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन यू. तो अभी तक तो सिर्फ स्टार्स को ये और या सेलेब्स को है, स्टार्स हैं, नॉन पीपल हैं, उनको फ़र्क पड़ रहा है कि यार उनसे कुछ गलत हो गया, उनका कुछ गलत देख लिया, ये रोल मॉडल्स हैं तो ये नहीं कह सकते हैं. तो दैट इज़ गोइंग टू चेंज नाउ. दैट इज़ व्हाट इज़ आल्सो व्हाट वी टॉक अबाउट इन दिस शो, दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल आर स्टार्स नीड टू बी एंड हाउ बिग अ प्राइस दे पे समटाइम्स फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस मे बी और वेरी स्मॉल मिसडीड फॉर दैट मैटर. सो आई ऑल्सो फील कि जितने भी कॉमन लोग हैं उनके में मम्मी पापा ताया चाचा सब लोग रहते होंगे, है ना. सो अकाउंट के ऊपर यहाँ पे लोगों के पास बैंक अकाउंट हो ना हो, सोशल मीडिया अकाउंट हर किसी के पास है. सो किसी को भी ट्रोल करने से पहले, कॉमन मैन को ट्रोल करने से पहले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दैट. बट अरबाज, आपको सच सच एक चीज़ बतानी पड़ेगी. आपने किसी भी स्टार को ऐसे नहीं कहा बोल देना यार, बोल देना, किसी को प्लीज करके नहीं बोलना पड़ता, पढ़ देना, चल पढ़ दे, बस एक बार पढ़ दे, नहीं लूंगा. नहीं, ऐसा हुआ नहीं है. टचवुड, हमने हमारे शो पे जब भी स्टार आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे पूछने के लिए कि भाई वुड यू वांट अस टू जस्ट गिव यू अ वेग आइडिया कि हमारा किस चीज़ों के ऊपर हम सवाल पूछेंगे. तो उन्होंने हमको सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप पूछो, हमारा हम आपको आंसर करेंगे और अगर कहीं ऐसा लगे कि आंसर करने जैसा नहीं है तो हम नहीं करेंगे. लेकिन फॉर्चुनेटली देर हैव बिन आई थिंक मे बी वन और टू ओकेजन इन वेयर अ क्वेश्चन है सेट, यार ये इसको ज़रा अवॉइड कर सकते, कोई और वो एक या दो स्टार्स के साथ एक ही या दो बार ही हुआ. एंड वी आर क्वाइट ओके बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए. कोई ये कोई इंक्विजिशन या कोई इंटरोगेशन नहीं है. सो व्हेन वी आर डूइंग दिस शो, ये हम स्टार्स को कॉर्नर करके उनके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं. हम इट्स अ सेलिब्रिटी फन बेस्ड शो, इट्स एन एंटरटेनिंग शो. दिस इज नॉट हियर टू यू नो टू टीच एंड प्रीच, इट इज़ टू हैव फन एंड टू आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड टू गेट रेलिवेंट आंसर्स, दैट्स इट. इसलिए कभी जब वो अनकंफर्टेबल हमको सेंस भी होता है ना, इनफैक्ट हम होने ही नहीं देते क्योंकि हम पहले से ही जान जाते हैं कि यार ये सवाल पूछना नहीं है हमको. इस सवाल में हल्का सा लगता है कि थोड़ा सा मिर्ची है या मसाला है, पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जवाब हमको मिल जाएगा. और अगर नहीं मिलता है ना तो हम फोर्स नहीं करते. तो दैट इज़ वेर इट इज़. सो आप जो भी देखेंगे ना शो के अंदर, ये वही है जो हमने पूछा है और जो जिसका जवाब मिला है, और नथिंग लाइक हैज़ बीन फोर्स्ड और they have been uncomfortable answering. If they have answered it,
they have either been overtly happy about answering it, comfortable about answering it, or okay about answering it, but not that they are not they were not willing. Absolutely. So stars also want to have fun. अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको सही से जवाब भी मिलेगा जिसमें आपको स्टार को मजा आएगा. तो प्रश्न पूछने में देरी कैसी? नीकी और पूछ. जी. पराग है ना? अरे मैंने पहचान लिया. मेरे को लगता है कि एंटरटेनमेंट विद पर्पस इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया. हम सब एंटरटेन होना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर एक हल्का फुल्का कोई रिलेटेबिलिटी है जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ सकें, या कोई ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सोशल सिस्टम को थोड़ा बेटर कर पाएँ, लोगों को थोड़ी इंकरेजमेंट दे पाएँ, तो मेरे को लगता है एंटरटेनमेंट का मीनिंग बड़ा हो जाता है. एक फ्रिवलस एंटरटेनमेंट की सिर्फ आपको हंसाने के लिए या आपको रुलाने के लिए की जा रही है, वो एक अलग टाइप का फील है जो आप एक मूड में देख सकते हैं. लेकिन जो चैट शो होता है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शोज है ना, वो चैट शोज हैं. हमारे कंट्री में वो रिवाज अभी आया नहीं है. अगर आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड ओवर जो 20-20 साल से 30-30 साल तक चैट शोज चलते हैं, उसका रीज़न क्या है कि लोग उनको सुनते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज़ के साथ वो ग्रो होते हैं. तो आई फील कि वो टाइम आ रहा है, इस कंट्री में आएगा, कि जहाँ पे बहुत अच्छे चैट शोज जो वाकई ही सुनने के बाद आप देर इज़ अ टेक होम जिसको बोलते हैं, कि आपके पास कोई बेटर एक आइडिया मिलेगा या आपको कोई बेटर थॉट मिलती है उससे. तो ये शो का पर्पस भी यही था कि यस, विद द बेस्ट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, टॉप स्टार्स, सुपर स्टार्स, लेकिन अगर हमने उससे अच्छे सवाल ही नहीं पूछे या उसका पर्पस ही नहीं कोई है, तो वो सब फिस हो जाता है. तो आइडिया ये था कि जो भी हम करें, ए उसमें दम होना चाहिए. तो आज जो सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ और स्टार्स को विक्टिम टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों ना उनको एक चांस दें कि वो भी अपनी साइड बोल सकें. तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी को जज करने के लिए या वो करने के लिए शो नहीं बना है. ये सिर्फ ये है कि आप अपनी साइड खुल के बोल सको. सो जो अभी तक जो बात हो रही है कि वो खुल के बोलते हैं, व्हाट एज अरबाज सेड कि एग्जैक्टली, कि आज तक किसी ने बोला नहीं कि बताओ क्वेश्चन क्या है, हुआ ही नहीं है. एक आधे क्वेश्चन पे किसी ने बोला यार ये थोड़ा इसमें गाली वाली ज़्यादा है, तो वो एक या दो बार हुआ है 20 एपिसोड में, अदरवाइज वो भी नहीं हुआ है. उसका रीज़न क्या है? एक तो हमारी इंटेंशन करेक्ट रहती, वो एनवायरनमेंट हमारे सेट पे नहीं है कि हम शायद कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और हम किसी को कॉर्नर कर रहे हैं, वैसा नहीं है. ये प्रॉब्लम ही अपने आप में इतनी मीनिंगफुल और पर्पसफुल है कि इसके बारे में बात करेंगे तो पीपल लोग सुनने वाले ही हैं. तो जो सारा क्रेडिट जाता है कि वो आपके सेट पे एनवायरनमेंट कैसी है और आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और एक कंफर्ट जो है बीइंग विद अ फ्रेंड. ये बड़ा दोस्तों के दोस्तों का शो है. अरबाज मेरा दोस्त है, वो अरबाज के दोस्त है, तो हम सब दोस्त हैं एक्चुअली. तो हम किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करते. पर्पस ये है कि जो पब्लिक डोमेन है उसका जवाब दिया जा सके. आपने पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब बड़ा इतना सारा किया हुआ है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से. प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था. उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था. हाँ यार, अभी कर दिया था मैंने. वो भी या तो आपको पता है, या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है. तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also. So that is a little bit of a, अच्छा ऐसा है क्या? तो वैसे आ जाते हैं लोगों से कभी कभी, बड़े natural comments आ जाते हैं. और ये हम हमारे show में ना एक I would say एक platform है जहाँ पर एक हल्का सा clarification आ जाता है कोई चीज़ों का, जो generally आप क्यों करोगे, but कोई पूछ लेता है अगर वो, जैसे कि मेरे I am their colleague, कईयों के मैं दोस्त हूँ, यू नो. सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना, वो कहीं मलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है.
तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ, कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। अरबाज, मैं सबकी तरफ से कहना चाहूंगी कि आपने नाजायज फायदा उठाया आपके गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का। जो चीजें नहीं भुलवा पाते, गुड लुक्स का तो नहीं उठा पाया, दोस्ती का जरूर उठाया। इट वॉज चैलेंजिंग सी, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू नो देयर आर पीपल हु आई हैव नोन फॉर अ व्हाइल एज इन इवन इफ इट्स एज कंटेंपरेरीज और एज अ कलीग, द पॉइंट इज दैट इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, इट्स अ वेरी unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, you know, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and, you know, interesting and all. So to get that confidence in them was not easy, and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I've had a very, very close bond personally with, you see. So I use that aspect ke, you know, so whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with. And now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys, I mean to say, look at Tiger for that matter, you know, or Ayushman for that matter, they are the new lot of boys, you know, who are there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season one, so they have that confidence that okay, fine, we've seen it, it's happened with, you know, Karan and the likes of you know, all these people, Katrina, so now they can come on the show. I don't think they would, they don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, they will not, you'll ignore, you'll not answer. Even if you feel like, you say that, main iska jawab tab dunga jahan mere koi platform to mile, koi show to mile, koi sune to sahi, kuch aisi jagah pe aap mujhse puche. To ye ek zariya ban gaya hai. Jaise ki if you have a particular, like, promotion ke time pe bhi, there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. Acha, logon ko ye bhi interesting baat hogi ki logon ko lagta hai ki ye last year jo 1.5 saal jo social media ka jo backlash hua hai celebrities ke upar, to maybe this show becomes relevant now more. But don't forget that hamara pehla jo season tha wo isse pehle tha. Kahin na kahin humne ye halka sa ek idea aa gaya tha ki social media ek bahut important cheez है हमारे ज़िंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है. तो हमारे फर्स्ट सीजन में हमने वहीं से शुरू कर दिया था. अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है, एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकेंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट. के बहुत हाँ कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था. उसके रीज़न ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वॉज़ अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग. एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार, क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजन हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं इस वजह से. तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था. एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीज़न में ही हो. बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई आप, हम शो अगर करेंगे, 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीज़न में सलमान नहीं होगा. मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ. इसका रीज़न ये है कि अगर ये शो में कर लूँगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया, अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया. उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन. नाउ आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल रीजंस, यू सी. सो सेकेंड सीजन ही वॉज मोर देन हैप्पी टू कम इन. तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन, एंड आई थिंक
एक और बहुत बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा ना कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता तो एक अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन टू भी करेंगे, हम सीजन थ्री भी करना चाहते हैं, तो सीजन टू का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन टू में क्या, सीजन टू में सलमान, तो एक दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. He was very happy in this to be on the show, and more so because usne dekh liya tha ki maine kis kism ka kaam kiya, as a host kaisa kaam kiya tha, show ka concept kaisa tha, kaisa usko receive kiya gaya. Pata chala 10 ke 10 episode jo the wo logo ne achhi tarah se receive kiye, usme koi controversy nahi hui, koi ulti seedhi cheeze nahi hui, jabki humne puche wo kuch aise aade tede sawal aur kuch cheeze, hamara show bhi waisa hai, lekin fir bhi intent convey ho jata hai. कि इंटेंट इज नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज नॉट टू यू नो टू डिजाइन दैट वे. सो नाउ इवन नाउ ही इज ऑन द शो एंड ही हैज डन रियली वेल. बहुत ही अलग आप देख लेना जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा. एंड बहुत सी ऐसी चीजें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने. आई सी इन मेनी वेज दे वॉन्ट बी वेरी डिफरेंट. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स आर उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है. टाइम्स चेंज तो सिनेरियोस चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम पॉपुलर एंड टू डू गुड वर्क इज ऑलवेज देयर. इट वॉज देयर इन द स्टार्स ऑफ द पास्ट एंड देयर इज गोइंग टू बी देयर इन द स्टार्स ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more, in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about a lot of factors. So they're not, how would I say, they're thode se zyada focused in doing very limited work. पहले जैसे पहले स्टार्स जो होते थे सात सात आठ आठ फिल्में करते थे, वो अब वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है. पहले एक फिल्म ख़त्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले ही चार फिल्में साल में करो बट एक फिल्म ख़त्म करो करो. तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था. एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर्स तीन तीन चार चार फिल्में करते थे, एक्टर्स सात आठ फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे. आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ. सी वी आर स्टिल वेरी अर्ली इन आवर शोज, यू नो दैट सेकंड, आज सेकंड सीजन लॉन्च हो रहा है, इसका भी फीडबैक आना है. How it is received, inshallah we know it will be received well and we hope that it will be received well, and then gradually we will see ki is show ke sath hum kya variate, jaise ki humne isme second mein kuch naya kiya hai, third mein bhi humko kuch naya karna hi padega, nahi to kyun dekhenge log. To naye cheeze karenge, kuch aise logon ko layenge jo unexpected hai, kyunki abhi we are still in the same zone. Agar aap dekhe to film industry ke hi log hain, there are female actresses and actors are there. तो और वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए. अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं, तो वील ट्राई. एंड देन उसके बाद अगर हमको कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि लेट्स जैसे कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, पॉलिटिशियंस मे बी आर देयर, मे बी वी वॉन्ट टू गो इन दैट जोन, आई डोंट नो, बट मे बी वी कैन गो इन एक्सप्लोर इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, बट वी आर स्टिल कंसेप्चुअलाइजिंग, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट. I think हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होता ही है, definitely. ऐसा अभी होता ही होगा, मतलब अभी मैं का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैं अभी मैंने बोलता ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है. हाँ, आया फुल टॉस है, मार दिया कहीं, ठीक है ना, बच गया, डक कर लिया. दैट्स द ओनली वे टू डील विथ यू नो टू डील विथ ट्रोलिंग और विच इज़ अनप्लेजेंट एंड डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा.
See, I don't know वो individual होता है stars का क्योंकि वो कुछ stars have gone off for a while because they could not see stars actors जो होते हैं मैंने पहले भी discuss किया था कि actor बनता कौन है actor वो बनता है जिसको जिसको public का प्यार जिसको अपने काम का appreciation जिसको लोगों का who wants respect he is the person who wants to come in front of the public so for him appreciation is a very important aspect right that is why he is there he is not for any other reason तो जब उसको appreciation नहीं मिलेगा जब उसको likability नहीं मिलेगी जब उसकी तारीफ नहीं होगी जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका backlash होगा तो वो थोड़ा सा जिस चीज के लिए वो आया है लोगों के सामने उसको वो चीज hurt करेगी तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell so there are some people who handle things differently so there are people who deactivated their account or they suspended their account for some time or went off social media for some time because they just didn't like what was happening and it could also mean ke bhai if you're going to do this we are not going to tolerate it so I guess everybody deals with negativity or trolling differently we have to find a way to live around it and also educate people ke bhai trolling ya tum koi negativity bolte ho to uske liye thoda soch samajh ke karo jo hamara show ka caption bhi hai ki thoda socho thoda samjho fir comment karo ya na karo zaruri nahi hai ki har cheez ke upar aapko comment karna hai this is season 2 or any season is difficult aap aisa lagta hai ki bhai you know stars ko bula liya और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया कर लिया हर आदमी के लिए इट्स नॉट एन इजी जॉब फॉर अस इट्स अ ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं हम ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं जो कितने कितने मिनट के होंगे सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे राइट हमारे कितने हज़ार मिनट जाते हैं ये सब को ऑर्गेनाइज करने में यू नो वी हैव टू ईच स्टार फॉलोइंग अप विद देम फाइंडिंग देयर टाइम फाइंडिंग यू नो coordinating with so many things it takes a lot of time so and we put in that time because humko malum hai ye show hamare liye important hai and for that matter kuch had tak stars ke liye bhi hum chahte hain ki they use this as a platform for a lot of things that is good for them aap dekho ki kai hamare stars ke episode ke baad unko kitna acha reaction mila hai ki yaar unhone jo baatein boli hai unke liye ek ajeeb si respect ya fan following alag level ki ho gayi ki yaar मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद जब वो स्टार आया डिडंट रियलाइज ही इज वेरी ओपन बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फैन हो गया तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड तो ऐसा भी होता है सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पिच देखने के 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है देयर ओपिनियन बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं चाहे वो कोई भी हो हम स्टार 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 वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं बट एंड ऑफ द डे देयर इज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है तो इसलिए इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो तो कोई भी उसको गाली देता है और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो वो हर्ट करता है वो पिंच करता ही है तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज़ कराना है कि द अदर साइड ऑल्सो इज़ अ ह्यूमन बींग तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है और कोऑर्डिनेटिंग दिस देयर इज अ ह्यूज रिसर्च गोज दैट क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट एज अरबाज सेड करेक्टली पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करते हो कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है और वो भी बात जो जहाँ पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं तो डेफिनेटली पुटिंग इट ऑल टुगेदर एज ही सेड इट्स अ ह्यूज टास्क ए गेटिंग देम कन्विंस्ड टू कम टू द शो एग्जीक्यूटिंग द होल थिंग द एंटायर रिसर्च बिहाइंड इट सो ये जो फिल्टर करके आपके सामने आया है दिस इज द हार्ड वर्क लेबर ऑफ लव एंड दे हैव पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड इन अस तो जब भी हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटीरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो स्टार्स से मतलब वी विल वर्क अराउंड दैट वी ट्राई आवर बेस्ट इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टार्स
none of them are, as of now, who have even asked us ke bhai humko edit dikhao ya humko, because itna unko already trust hai. But kal ko koi pooch lega na ki humko dikhao, to humko koi itraz nahi hai kyunki humko kuch chupana hi nahi humne. Humko to bhai aa jao aapke kisi ek representative ko bhej do ya koi aap hi aake dekh lo jo hum edit karke lana chahte hain. We've never had an issue with anyone. Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, you know, like unke paas itna knowledge hai, itna experience hai, kitni cheeze hai wo humko baat sakte hai, and you know, in terms of how to handle social media and what, even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say. And what he has learned कि उनके ज़माने में जब वो young थे, जब उनका career शुरू हुआ था, जब social media नहीं था, awareness नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते. Because आज भी हम जब बच्चन साहब से एक interview लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके characters के बारे में बात करते हैं. कितने लोगों को मालूम है कि उनका social media के ऊपर क्या take है? तो हमारा show जो है वो एक social media based show है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है. तो आई वुड डेफिनेटली चेस हिम, परस्यू माय नेक्स्ट सीजन आल्सो, ट्राई टू गेट हिम ऑन द शो, एंड होपफुली इफ ही सीज दीस टू सीजंस ही गेट्स कन्विंस्ड, एंड दैट्स इट. सो ही इज ऑन माय विश लिस्ट, एंड देन देयर आर फ्यू मोर एक्टर्स ऑन माय विश लिस्ट, एंड होपफुली नेक्स्ट सीजन यू माइट सी देम. My take is मतलब कि आई एम द इज द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी टुडे कि आज सीजन टू हो रहा है. उसका रीज़न यही है कि ये रिजल्ट है सीजन वन का, और आप सब ने अप्रिशिएट किया है, और आई होप कि इसको भी अप्रिशिएट करेंगे, एंड वी विल पुट अवर बेस्ट, मेक श्योर दैट हम इसे भी और आगे और अच्छा करें. और आई रियली होप कि ये शो कुछ लोगों की लाइफ और कुछ लोगों की थिंकिंग और कुछ लोगों की ओपिनियन चेंज करे, और हम लोग एक सोशल मीडिया और एक साइबर स्पेस को एक पॉजिटिव स्पेस बनाएं. दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं, इंटरनेट यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं. अगर वो स्पेस को हम इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर देंगे, ना तो ये हमारे बच्चों के लिए, ना हमारे फीमेल्स के लिए, ना हमारी फैमिलीज़ के लिए अच्छा है. तो कुछ ना कुछ हम सबको मिलके, मैं मीडिया को ये बोलता हूँ, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस थॉट को डिस्करेज करें जो इस चीज़ को पोल्यूट कर रही है. हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कितना टॉक्सिक हो रहा है. तो अगर हम सब सीरियस होंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कॉमन मैन है, आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग. सो आज सिर्फ सुपरफिशियली किसी को कमेंट मारने के लिए हम वो अगली बातें, हम जो बातें घर के लिविंग रूम में नहीं कर रहे, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं. मैं उस आदमी से ये पूछूंगा कि क्या तुम ये गाली अपने घर में दे सकते हो जो तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो? नहीं दे पाएगा. रीज़न क्या है? कि उसके घर के अंदर एक लाइन ड्रॉ हुई है, वो लाइन क्रॉस नहीं की जाती है. लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हम वो लाइन ही भूल जाते हैं. तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लाइन रियलाइज करवाएं. हमको किसी को प्रीच नहीं करना है, टीच नहीं करना है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बॉलीवुड विच एंटरटेन एवरीबडी. आज पता नहीं कितने मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन लोगों की फेस पे स्माइल आती है फिल्म्स देख के, गाने गाते हैं हम लोग. ये एक एंटरटेनमेंट है जो हमारी लाइफ को ब्यूटिफुल बनाती है. सो प्लीज़ लेट्स नॉट मेक इट अगली. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम, एंड जितने सवाल थे बहुत ही बेहतरीन और शानदार थे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एक ऐसा शो आया है जो किसी भी वनखंड कहानी पर या स्क्रिप्ट पर आधारित नहीं है, लेकिन बहुत ही रियल है. इसमें ना गाली है, ओनली ताली है. सो थैंक यू, एंड टू आवर न्यू होस्ट एंड दोस्त, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अब्बास खान. देयर इज हाई टी फॉर ऑल ऑफ अस. प्लीज एंजॉय, एंड डोंट फॉरगेट 21st of July. थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.